भारत विश्व कप 2019 में शानदार प्रदर्शन कर रहा है, पर लगातार सवाल उठ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी पर। विश्व कप 2019 में अपना चौथा मैच खेल रहा है अनुभवी विकेटकीपर एमएस धोनी के भविष्य के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि ये विश्व कप धोनी का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। कुछ अन्य विशेषज्ञों की माने हैं तो धोनी विश्व कप के बाद भी वनडे सीरीज में खेलना जारी रखेंगे। एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि धोनी ने खुद अपने क्रिकेट से रिटायरमेंट के सवाल पर जवाब दिया है। धोनी ने अपने अनौपचारिक अंदाज में जवाब दिया है कि वो खुद नहीं जानते कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लेंगे। धोनी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कब संन्यास लूंगा, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं कल के मैच से पहले यानी श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से पहले ही संन्यास ले लूं। कुछ दिन पहले पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्व कप में भारत का आखिरी मैच धोनी करियर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकता है। बीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि आप एमएस धोनी को फैसले का कभी अंदाजा नहीं लगा सकते, हालांकि ये संभावना है कि वो इस विश्व कप के बाद भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे। धोनी के संन्यास को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी तक केवल उनके संन्यास को लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। लेटेस्ट और दमदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द न्यूज इंडियन और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।